खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा इस पर की महफिल मुनाकिद की गई है, यानी हुजूर खातिमुल अंबिया व मुरसलीन मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करनी है। मैं बातें हुजूर की सुनाऊंगा, अगर आपके दिल पे आकर वो बात असर दे, मजा आए, सुकून आए, सुरूर आए, तो फिर आपने क्या कहना है। बच्चे तो सुभान अल्लाह वैसे मुझे वैसे कहते हैं, थोड़ा बड़े भी कह के बताना क्या कहना है। जिस महफिल में जिस जगह हुजूर की बातें हो, हुजूर का नाम हो, हुजूर का तस्करा हो, वैसे ही मजा आ जाता है, वैसे ही सुरूर आ जाता है। और फिर तस्करा सृष्टि का आज तक हो रहा है, 14 सदियां गुजर गई, आपको दुनिया से तशरीफ ले गए, तस्करा हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल मक्का मदीना नहीं, सारे आलम में जहां तक हुजूर का तारुफ था, हुजूर का ही तस्करा हो रहा था, और इससे बढ़कर दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं कि अभी आया ही ना हो, पैदा ही ना हो, अभी उसकी विलादत ही ना हो, उसका तस्करा हो रहा हो। सबका जिक्र, सबकी बातें होती है उसके पैदा होने के बाद। मेरे और आपके मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है, हुजूर की अभी तक विलादत भी दुनिया में आए नहीं है, लेकिन हुजूर का तस्करा पहले हो रहा है। और ये जो उन्वान दिया गया तस्करा खातिमुल अंबिया, इसमें एक और कमाल की बात यह है कि हुजूर का जिक्र खैर खत्मे नबूवत के हवाले से हो रहा था। अब्दुल्ला के लफ्ज़ जिगर, वो आमना के लाल जो नबी है, वो आखिर ज़मा है, वो आखिरी नबी है, वही नबियों के इमाम है, वही रसूलों के इमाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, आपका तस्करा हुजूर की आमद से पहले उस जमाने के उलमा में भी चल रहा था, उस जमाने के अदबा फसीह बलीग अदीब हजरात शुअरा उनके यहां भी चल रहा था, नेक लोगों में भी चल रहा था। उस जमाने में जो गुनाहगार होते थे उनके यहां भी मेरे नबी का तस्करा चल रहा था, और हुजूर से पहले जो नबी गुजरे, जो रसूल गुजरे, उन रसूलों की जबान पर, नबियों की जबान पर भी मेरे नबी का तस्करा चल रहा था। सुर आता हो
सारे आएंगे, एक दो नहीं कई सारे आएंगे। ये जमूना उनके दिमाग में ये शैतानी खलल आएगा और वो ये दावा कर बैठेगा कि मैं नबी हूं। सुनो शरीफ इंसान भी नहीं हो सकता। और मैं अर्ज कर रहा था हुजूर की शान यह है कि हुजूर की आमद से पहले हुजूर की बातें तो हो रही थी, खत्मे नबूवत के हवाले से हुजूर का तज़किरा हो रहा था। नारे तकबीर उस्तादुल उलमा हजरत मौला इफ्तिखारुल्लाह शाकिर साहब। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, बुख्ते नसर का जमाना है। उस वक्त जो नबी है पैगंबर है, तारीखुल उमम वल मुलूक किताब का नाम है, उस किताब के अंदर ये रिवायत मौजूद है, बुख्ते नसर का जमाना है। उस वक्त के जो नबी हैं हजरत अरमिया बिन हल्किया अलैहि सलाम, उनके पास वही आ गई, अल्लाह का पैगाम आ गया हजरत अरमिया अलैहि सलाम के पास। ऐ अरमिया, मैं बुख्ते नसर को अरब पर मुसल्लत करने लगा हूँ। मक्का मुकरमा के अंदर एक बच्चा है जिसका नाम माद बिन अदनान है, इसको वहां से लो, अपने साथ सवारी पे सवार करो और मुल्क शाम में इसको ले जाओ। अल्लाह के नबी के पास वही आ गई, हजरत अरमिया अलैहि सलाम के पास पैगाम आ गया, वही आ गई अरमिया अलैहि सलाम के पास, माद बिन अदनान को ले जाओ। तकरीबन 10-11 साल का बच्चा है, अल्लाह के उस वक्त के नबी के पास पैगाम आया, इस बच्चे को यहां से ले जाओ, मुल्क के शाम में पहुंचा दो। अल्लाह के नबी है, पैगाम आ गया, क्योंकि नबी के पास जब पैगाम आता है फिर नबी अपनी जान की परवाह नहीं करता। नबी डरने वाले नहीं होते, नबी बहादुर होते हैं। सच्चे नबी क्या होते हैं? एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में रात, अंधेरी रात, तारीख की खूब, और रात की आधी रात के बाद आवाज़ें आ रही थी खौफनाक, सारे लोग सहम गए। मेरे और आपके आका कमली वाले नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त घोड़ा लिया, अकेले सवार होके गए जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी, जहाँ से खौफनाक आवाज़ें आ रही थी, हुजूर अकेले गए। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ना जाए, फरमाया सारी उम्मत घबरा रही है, अल्लाह का नबी डरता नहीं, नबी तो उम्मत को तसलियाँ देता है। फिर हुजूर गए वापस, आवाज़ें ख़त्म हो गई। एक और भी इंसान, कैनात का बदतरीन इंसान, इंसान कहते ही शर्म आती है, दावा नबूवत का कर बैठा, घर से बाहर नहीं निकलता, इसने कहा क्यों नहीं आता? कहता है वही आ गई है या ये नबी, हो अंदर रहियो बाहर ना जाइयो, बाहर क्यों नहीं जाता? दावे नबूवत के करता, फिर सामने आ दिखा, सामने आके बैठ। जब उलमा ने बुलाया डर के भागा, घर से बाहर नहीं निकला। नहीं नहीं, सच्चे नबी की शान ये है, अल्लाह का हुक्म सवाल ही नहीं हुआ, बल्कि आमना के
ने मिट्टी उठाई फेंकी, सारे अंधे हो गए। सच्चे नबी की ये शान होती है। हाँ, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में नहीं है। अरमिया अलैहि सलाम को हुक्म हुआ इनको ले जाओ, फौरन ले गए, मुल्क शाम में पहुंचाया। एक सवाल जहन में आता है, अल्लाह इतनी सारी तेरी मखलूक है, इतने सारे लोग हैं, एक माद बिन अदनान लड़का उसकी हिफाजत अपने नबी से करवा रहा है, अल्लाह इसकी शान क्या है? ये बच्चा कौन है? ये अरब में रहने वाला, मक्के में रहने वाला, ये कौन बच्चा है जिसके बारे में तूने कहा इसको वहां से उठा के ले आओ, मुल्क शाम में पहुंचा दो। वही आ गई, पैगाम आ गया, फइन्नी मुस्तखरिजुम मिन सुलबिही नबियन करीमा व अख्तिमु बिहिर रुसुल। हजरत अरमिया अलैहि सलाम के पास पैगाम आ गया, मेरे पैगंबर अरमिया, खतीब अपने अंदाज में यूं बयान करता है, आज देखने को बच्चा है, देखने को तो लड़का है, कल बड़ा होगा, जवान होगा, शादी होगी, औलाद होगी, सिलसिला आगे चलेगा, नस्ल दर नस्ल सिलसिला बढ़ता रहेगा, यहां तक कि इस माद बिन अदनान की औलाद में मक्के में एक अब्दुल्ला आएगा, फिर उसका एक लख्त जिगर मुहम्मद रसूलुल्लाह आएगा। तो इन्नी मुस्तखरिजुम मिन सुलबिही नबियन करीमा, ए मेरे पैगंबर अरमिया, मैं इस माद बिन अदनान की औलाद से एक इज्जत वाला, अजमत वाला, शान वाला, करम वाला, शराफत वाला, बुजुर्गी वाला नबी भेजने वाला हूं। उस नबी की शान ये होगी, अख्तिमु बिहि रुसुल, मैं उसको खत्म नबुवत का ताज देकर नबुवत का सिलसिला उस पे खत्म कर दूंगा। हुजूर की आमद से पहले हुजूर का तो तज़किरा हो रहा था, लेकिन सिफत खत्म नबुवत का खास तौर पर जिक्र हो रहा था। आज अगर कोई ये कहे कि मैं भी हुजूर के बाद नबी हूं, आप उसको तस्लीम कर लोगे? बोलो, इधर देखो, हुजूर के बाद कोई नबूवत का दावा करे, मान सकते हैं? जान जा सकती है, कुछ भी हो जाए, जिस्म के टुकड़े तो हो सकते हैं, लेकिन अपने आका कमली वाले आका, मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए आपकी नबूवत का सूरज चमक रहा है, किसी और को हम नबी नहीं मान सकते। कुछ भी हो जाए, जैसे गाजी इल्मुद्दीन तख्तेदार को चूम के अपनी जान का नजराना पेश कर गया, हमें भी जान की परवाह नहीं, गए आए थे इस दुनिया में जिस काम को, वो काम ना बिगड़े, गर्दने कटती हैं हमें हुजूर की खत्म नबूवत की सही खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुख्तसर हाजिरी थी, असल तो प्रोग्राम दूसरे हजरात का था, अकाबरीन का मशेख का हुक्म था, मैंने कहा चलो मैं भी हुजूर की खत्म नबूवत की कुछ बातें कर रहा हूँ। ये मौजू ऐसा है, सारी रात भी बातें करें तो ख़त्म नहीं होती। तो ईमान वालों, इस वक्त खत्म नबूवत पर डाका डालने वाले जो अपने आप को अहमदी कहते हैं, कादियानी कहते हैं, मिर्जाई कहते हैं, इनके ताकुब के लिए इंटरनेशनल खत्म नबूवत मूवमेंट का एक प्लेटफार्म है, उस प्लेटफार्म पे पूरी दुनिया में इनका ताकुब किया जा रहा है। देखो, आमना के लाल का कलमा जब हम पढ़ रहे हैं, किसी और की ना हम किताब को मान सकते हैं, ना उसके कलमे को मान सकते हैं, बल्कि हम इनको ख़त्म करेंगे, ख़त्म कराएंगे। अल्लाह ताला हमें वो ताकत दे, वो मौका दे कि ये ज़मीन मुनकरीन खत्म नबूवत के नापाक वजूद से पाक हो जाए। ईमान वालों, इनके साथ मुकाबले के बहुत सारे तरीके हैं, अवामुन नास के लिए एक तरीका है, अगर आप हुजूर की खातिर वल्लैल की जुल्फों वाले नबी की खातिर तावन करना चाहते हो, मैं आपसे चंदा नहीं मांगने लगा, डरना नहीं, पैसे नहीं मांगने लगा, बल्कि एक दरख्वास्त करने लगा हूं, कादियानी अपने माल अपने पैसे के जरिए मुसलमानों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने झूठे नबी की झूठी नबूवत का प्रचार कर रहे हैं, इन
इनका पैसा खत्म कराओ। उसका तरीका यह है कि इनकी मसनूआत का बाइकाट करो, खास तौर पर शीजान बोतल, शीजान बोतल। मैं इश्क में, इश्क के समंदर में डूब के कह देता हूं कि पेशाब पीना और शीजान पीना मेरे नजदीक बराबर है। शराब जिस तरह नापाक है, मैं कहता हूं शीजान बोतल भी ऐसी नापाक है। मत पीना, मत बेचना, मत खरीदना, ये मेरा मसला नहीं, मदीने वाले आका की जुल्फों का मसला है, उनके नालायक की इज्जत का मसला है, उनकी खत्म नबूवत का मसला है। ये बोतल जब पीते हो, ये शीजान बोतल कादियानी के मिर्जाइयों के हैं, जिन्होंने हमारे नबी के मुकाबले में एक झूठा नबी खड़ा किया हुआ है। सच्चे नबी के सच्चे आशिकों, आज हाथ खड़ा करके कहो शीजान बोतल नहीं पियोगे इंशाअल्लाह। सारे हाथ खड़ा करके शीजान बोतल नहीं पियोगे, ना बेचोगे ना खरीदोगे। अल्लाह हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमाए। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।